ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम सीखेंगे नीरो सॉफ्टवेयर की सहायता से डीवीडी राइट करना। आपके सिस्टम में जो भी डेटा है, मान लीजिए वो आपको फिजिकली सिस्टम से बाहर चाहिए, तो वो या तो हम पेन ड्राइव की मदद से ले सकते हैं या फिर सीडी और डीवीडी की मदद से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सीडी या डीवीडी राइट करना होती है। जैसे कि कोई भी वीडियो है, मूवी है जो आपको किसी को देना है, या फिर कोई भी डेटा है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं और उसे अपने पास सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डीवीडी राइट कैसे करें, आइए आज ये सीखते हैं। इसके लिए पहली बात तो आपके पास डीवीडी राइटर होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, उसको रन करने वाला सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। प्रायः इसके लिए नीरो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और हम यहाँ पर उसी का यूज़ करना बता रहे हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो ये आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री अवेलेबल होता है और इंटरनेट से डाउनलोड करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं डीवीडी राइट करना। इसके लिए डीवीडी राइटर में डीवीडी रखें। डीवीडी राइटर में डीवीडी इंसर्ट करने के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर नीरो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, जिसकी मदद से हम डीवीडी राइट करना चाहते हैं। ये देखिए, नीरो सॉफ्टवेयर खुल गया है और यहाँ पर डीवीडी और सीडी दोनों ऑप्शन होते हैं। इसमें से जो भी हमको चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डीवीडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और डीवीडी ही हमको राइट करना है, इसलिए इसको रहने देंगे। यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला है फेवरेट्स। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेक डेटा डिस्क और दूसरी है कॉपी डिस्क। अगर आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा है उसको डीवीडी या सीडी में लेना हो तो आप वो इसकी मदद से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी सीडी से डेटा दूसरी सीडी पर या डीवीडी से दूसरी डीवीडी पर डेटा कॉपी करना हो तो वो आप कॉपी डिस्क की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ऑडियो के लिए, फ़ोटो एंड वीडियो के लिए, कॉपी एंड बैकअप के लिए, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं जिनका उपयोग आप अपनी सुविधानुसार और ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर हम डीवीडी राइट करना चाहते हैं, इसलिए हम फेवरेट्स में जाएंगे और उसके लिए मेक डेटा डिस्क पर हम क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक नई विंडो खुल गई है। अब हमको कंप्यूटर से जो भी डेटा डीवीडी पर लेना है उसको हमको ऐड करना होगा। उसके लिए राइट हैंड साइड पर यहाँ ऑप्शन होता है ऐड का, इस पर जाकर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जिस भी लोकेशन पर आपका डेटा रखा हो उस लोकेशन पर आप चले जाएं। ये डाउनवर्ड एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारी अलग अलग लोकेशंस हैं, डेस्कटॉप, माय डॉक्यूमेंट्स, माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जहाँ पर भी आपका डेटा हो वहाँ पर जाकर के वहाँ से आप डेटा ले लें। जो डेटा हम डीवीडी में राइट करना चाहते हैं वो यहाँ पर फाइनल वर्क में है, तो हम इसको चुन लेंगे। और यहाँ से अब जो भी फाइल्स या फोल्डर्स आपको डीवीडी में राइट करना है उनको सिलेक्ट कर लें। ये हमने सिलेक्ट कर लिए हैं वो सारे फोल्डर्स जो हमको चाहिए, और अब यहाँ नीचे ऐड पर जा करके क्लिक कर देंगे। और इस तरह से अगर आपका डेटा किसी दूसरी लोकेशन पर भी हो तो जिस भी लोकेशन पर वो डेटा है वहाँ से आप उसको ले लें, सिलेक्ट कर लें और ऐड पर क्लिक करके उसे ऐड करते जाएं। अब यहाँ नीचे आप एक स्केल देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी डीवीडी या सीडी में कितना डेटा आ सकता है, यानी ये जो डेटा है वो आपके डीवीडी या सीडी में कितनी जगह घेरेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीली पट्टी जो है उसके पास एक छोटी सी आगे जो है आपको येलो पट्टी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीली पट्टी यानी यहाँ तक का जो डेटा है वो तो आपके डीवीडी में सुरक्षित रूप से राइट हो जाएगा, पर ये जो येलो पार्ट है ये एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब कि इसे हमें हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हमको कुछ डेटा यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए पहले तो हम फिनिश्ड पर जाकर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर हमारा एक टॉपिक है 13.3 जनरल टॉपिक्स। इस फोल्डर को हम खोलते हैं और इसमें से मान लीजिए इसमें से ये जो डेटा है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू वॉच टीवी चैनल्स, ये हमको हटाना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम डिलीट पर जाकर इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो
एक बार वो फिर आपसे कंफर्म करेगा कि क्या आप सिलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करना चाहते हैं, इसको हम यस कर देंगे। ये देखिए यहाँ से जो सिलेक्टेड आइटम्स थे वो डिलीट हो गए हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं इस स्केल पर वो जो एक्स्ट्रा हमको डेटा दिख रहा था जो येलो में था वो अब यहाँ से हट गया है। इसका मतलब इतना जो डेटा है वो जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4445.1 MB। तो ये इतना डेटा है जो कि आप सुरक्षित रूप से DVD में राइट कर सकते हैं। और अब आगे जाने के लिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये फाइनल बर्न सेटिंग्स की विंडो आ गई है, इसमें हमको डिस्क का नाम देना है। जो भी नाम आप डिस्क को देना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दें। हम इस डिस्क को नाम दे रहे हैं ज्ञान यज्ञ 1। इसके बाद राइटिंग स्पीड ये अपने आप ले लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, नहीं हो तो इसमें से जो भी राइटिंग स्पीड आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर ले लें, वैसे तो अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। और जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए उतनी आप यहाँ पर डाल दें। अगर आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ लेते हैं तो आपको बार बार DVD या CD लगानी पड़ेगी। हम अभी एक ही चुन रहे हैं। इसके बाद दो ऑप्शंस यहाँ पर और हैं। पहला है अलाउ फाइल्स टू बी एडेड लेटर, मल्टी सेशन डिस्क। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हैं या इसको अगर टिक करते हैं तो ये उस स्थिति में कर सकते हैं जैसे लगभग 4 GB की आपकी DVD है और उसमें से अभी आप केवल 2 GB डेटा ही राइट कर रहे हैं और बचे हुए 2 GB को आप बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो इस फीचर को ऑन कर लेने से या इस फीचर को सिलेक्ट कर लेने से आप वो कर पाएंगे। और दूसरा है वेरीफाई डेटा ऑन डिस्क आफ्टर बर्निंग। बर्न करने के बाद जो डेटा DVD में राइट हुआ है उसको ओरिजिनल डेटा से वेरीफाई करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो सिलेक्ट करें, नहीं तो रहने दें, और इसके बाद बर्न पर जा करके क्लिक कर दें। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर बर्निंग का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। ये देखिए प्रोसेस स्टेटस आपको यहाँ पर दिखता जाएगा, और ये जब तक 100% न हो जाए तब तक उसे स्टॉप नहीं करें, नहीं तो DVD खराब हो जाएगी। अब ये 5-7 मिनट का जो भी समय लेगा पूरा बर्न होने में उतनी देर आपको वेट करना है। अब ये देखिए यहाँ पर ये होने वाला है, ये 100% हो गया यानी ये बर्निंग प्रोसेस पूरी हो गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर उसका मैसेज भी आ जाएगा। ये देखिए ये मैसेज आ गया है, बर्न प्रोसेस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको ओके कर दीजिए। अगले स्टेप पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब ये नीरो सॉफ्टवेयर से बाहर हमको आना है, इसके लिए यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अब अगर आप इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक कर दें और नीरो सॉफ्टवेयर को बंद कर दें। बर्निंग पूरी होते ही आपकी जो DVD है वो भी बाहर आ जाएगी। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो डेटा उस पर राइट किया है वो ठीक तरह से आया है या नहीं, तो उसे वापस इंसर्ट करें। इंसर्ट करने पर यहाँ पर अपने आप या तो वो DVD खुल जाएगी, और अगर नहीं खुलती है तो आप उसे माय कंप्यूटर में जाकर खुल सकते हैं। ये देखिए ये ज्ञान यज्ञ 1 जो हमने उसका नाम दिया था DVD को, वो खुल गई है। इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने इसमें राइट किए थे, और अगर आप इसमें से किसी को देखना चाहें तो उस पर डबल क्लिक करें। अब इसको बंद कर दें, और अगर ये यहाँ पर नहीं खुलती है तो माय कंप्यूटर में जाकर के आप देख सकते हैं ये ज्ञान यज्ञ 1 ये DVD रोम यहाँ नज़र आ रहा है, और यहाँ से फिर डबल क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आज के अध्याय में हमने सीखा नीरो सॉफ्टवेयर की सहायता से DVD राइट करना।